पूर्णिया प्राइवेट शिक्षक संघ द्वारा शहर के कला भवन परिसर में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार बोर्ड में उत्तीर्ण 80% से ज्यादा अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इसमें करीब 800 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया है, जो पूरे बिहार के कई जिलों से आए हुए थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका, पूर्णिया नगर निगम उप महापौर पल्लवी गुप्ता एवं संगठन के कई वरिष्ठ शिक्षक भी मौजूद थे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। सम्मान समारोह में कोसी सीमांचल के लगभग सभी जिले के वैसे छात्र छात्राओं को बुलाया गया था जिन्होंने 80% से ज्यादा अंक हासिल किया है। इस संदर्भ में बताया गया कि इस तरह का कार्यक्रम पिछले 6 वर्षों से किया जा रहा है और लगातार हर वर्ष छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे संगठन की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। संगठन के प्रमुख अध्यक्ष प्रसन्न सिंह ने कहा कि यह संगठन पूर्णिया को शिक्षा के क्षेत्र में नंबर 1 बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और उसी उद्देश्य के साथ उन्होंने 800 से ज़्यादा छात्र छात्राओं को 80% से ज़्यादा अंक लाने की उपलब्धि को लेकर सम्मानित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में भी इस तरह का कार्यक्रम किया जाएगा। साथ ही कई शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने छात्र छात्राओं को अच्छे अंक लाने में काफी मेहनत की थी। प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविनं प्रवचसां मह्यं दत्त्वा। प्रसन्न सिंह जी, आदरणीय राजेश रंजन सम्मानित करते हुए और एक सुंदर क्षण हम सब के बीच जो बनाया है वो दे करके मैम का सम्मान करें, अभिनंदन करें कि मैम यहाँ आई है। हाँ, आप सबको ताली बजाना है बीच बीच में, क्योंकि हम आपके लिए भी ताली बजाएंगे, हम सब आपके लिए भी ताली बजाएंगे, तो आप लोग ये कोशिश करेंगे। और पहले ये हमारे सभी आज के जो अतिथि हैं, इन सबका हम स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। ये बच्चे तैयार रहेंगे, विश्वजीत कुमार अभिभावक है, उदय कुमार सिंह, हर्षिता राज अभिभावक है, राजीव कुमार साहब, सौरभ कुमार अभिभावक है, मुकेश कुमार, गौरव कुमार अभिभावक है, बाल किशोर मंडल, अमृता कुमारी अभिभावक है, रतन कुमार झा, निशा रंजन अभिभावक है। 1.5 घंटे का समय आप हमें दें, मैं विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का समापन कर दूंगा। 1 घंटे में भी हो जाएगा, लेकिन में मैं आप लोगों है, कोल्ड ड्रिंक्स है, पानी है, बच्चों का उत्साहवर्धन करें, जोरदार तालियां बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए। ये सभी ऐसे बच्चे हैं कि जिन्होंने कि प्लस टू में 400 से अधिक अंक प्राप्त किया है। सर आपकी भूमि आप हम नाम ले रहे हैं, जो ये सारे बच्चे जब मन से कुमारी, पिताजी का नाम है अभिनंदन यादव, राखी यादव जिनके पिताजी का नाम निरंजन कुमार निराला, राज अभिभावक हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है और मैं यहाँ उपस्थित श्री प्रसन्न सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देती हूँ, जिनके जरिए यह विगत 5 सालों से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि यहाँ के छात्रों को, पूर्णिया के छात्रों को बहुत ही बच्चों के मनोबल को बढ़ाता है और यह कार्यक्रम उन बच्चों के लिए बहुत ही उनके मनोबल को बढ़ाने में बहुत सहायक भी होता है। और इनसे सर से जुड़े हुए उन सभी शिक्षकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिनके जरिए बच्चे यहाँ तक पहुँचे हैं और हमारा पूर्णिया और पूर्णिया जिला का नाम रोशन कर रहे हैं। सम्मानित कर सीमांचल एरिया में इंटर 12th में 80% ज़्यादा नंबर लाए, उन्हें हमारा संगठन विगत 5 वर्षों से कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसका कवरेज आप लोग भी ने हर साल किया है और हर साल ये कार्यक्रम बढ़ता ही जा रहा, काफिला बढ़ता ही जा रहा। उम्मीद आज 600 बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं, अगले साल 1000 से ज़्यादा बच्चों को हम सम्मानित करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में आज कहीं ना कहीं पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में जाना जा रहा है, उसमें दोनों चीज़ हम छात्र को सम्मानित नहीं कर रहे, छात्र और शिक्षक दोनों को सम्मानित करें, पूर्णिया शिक्षा के क्षेत्र में और जाए, किसी भी क्षेत्र में अगर आगे बढ़ रहा है तो उसे और आगे बढ़ाने का हम काम करते हैं। हमारा संगठन हमेशा छात्र और शिक्षक के हित के लिए काम किया और आगे भी अपने हित के लिए काम करता रहेगा। सर देखिए क्या है, जो कि अच्छे
नंबर लाने के बाद भी बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि काउंसलिंग किस तरह से किया जाता है, कट ऑफ क्या होता है कॉलेज का, कौन सा कॉलेज उनके लिए बेस्ट होता है, वो सब गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का। एक्चुअली क्या है कि देखिए, जैसे ही बच्चा 10+2 करने के बाद उसको पता नहीं होता है कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है, हम लोग एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं कि बच्चे यहाँ से जो प्रॉपर उनको जहाँ गाइडलाइन के साथ जहाँ उनको जाना है, सपोज़ कीजिए कि किसी भी फील्ड में जाना है, मेडिकल इंजीनियरिंग, तो हम लोग एक प्रॉपर गाइडलाइन उनको दे सकें ताकि सही जगह वो पहुँच सकें, क्योंकि उनका जो प्रतिभा है वो दब जाता है कहीं ना कहीं कहीं गलत जगह जाने से। तो इस कारण हम लोग का मेन उद्देश्य यही है। और दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या है कि एजुकेशन एक मतलब एजुकेशन का बड़ा हब है, तो लिटरली एक बहुत अच्छा प्रयास है जिसके थ्रू एक नो डाउट एक सही डायरेक्शन मिलेगा बच्चों को आगे चल के। अब आपको पटना सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NH-31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 2400 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा, इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 2400 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन, 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NH-31 लाइन बाजार, वेस्ट ऑफ कप्तान पुल, पूर्णिया।